हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुए एक नई वीडियो लेके। इस बार हम आपको दिखाने वाले हैं एक टीएमसी रेरा अप्रूव फ्लैट, और वो भी 3 BHK। काफ़ी बड़े साइज का फ्लैट है और काफ़ी कम बजट में। एक सस्ता फ्लैट, अच्छा फ्लैट और काफ़ी बड़ा साइज का। और ये इंटीरियर का फुल्ली फर्निश्ड काम किया हुआ है, बेहतरीन इंटीरियर वर्क किया हुआ है इसके अंदर में। और इसका जो प्राइस हमने बताया हुआ है 65 लाख रुपये नेगोशिएबल प्राइस, और ये एलोकेटेड है सिलफाटा मुमरा में। और फ्रेंड्स, इसमें जो है आप किसी भी बैंक से लोन कर सकते हैं। इसके अंदर में लिफ्ट जो है 24/7 है, ओपन पार्किंग देके रखी हुई है, पानी की बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिल्डिंग के सामने से ही DP रोड प्लान पास हुआ है, जिसमें आने वाले टाइम में आपका जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न आने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विद प्लेटफॉर्म, और हम आपको चल रहे दिखाने ये 3 BHK फ्लैट। अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए हम खड़े हुए हैं फ्लोर के ऊपर में, और ये फ्लोर है आप देख रहे हैं। एक फ्लोर पे जो है इसमें 4 फ्लैट दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये फर्स्ट है रूम नंबर, और यहाँ पे देखिए लिफ्ट लगी हुई है। इसमें लिफ्ट जो है 24/7 है विद बैकअप। और ये जो है देखिए यहाँ पे दो, एक्चुअली 3 फ्लैट थे जिसमें से 2 फ्लैट लेके एक किया गया है। ये देखिए, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये 2 फ्लैट को एक किया गया है, और इसको जो है 3 बेडरूम बनाया गया है। ये 3 BHK फ्लैट बनाया गया है, और काफ़ी खूबसूरती से इसका इंटीरियर काम किया गया है। हम आपको ले चल के अंदर दिखाते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने काम कैसा किया हुआ वो देखिए पहले आप, फिर हम आपको फ्लैट दिखाते हैं। ये जैसे एंट्री लेते हैं, एंट्रेंस के अंदर का ये जो एरिया है, यहाँ पर इन्होंने शू रैक बना के रखी हुई है। इसके बाद ये जो है यहाँ से मेन एंट्रेंस दिया हुआ है, जो डोर देखिए, ये जो है ये इसका लिविंग रूम है। आप देख रहे हैं ये TMC रेरा अप्रूव जो है फ्लैट है। ये पूरी बिल्डिंग जो है TMC रेरा अप्रूव्ड है, इसमें OC इसका आ गया है, और सारे पेपर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर मिलेंगे। ये जो है इसका लिविंग रूम है फ्रेंड्स। अब देखिए इन्होंने 1 RK और 1 BHK को कंबाइंड करके 3 BHK फ्लैट बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं इसका वर्क जो है इंटीरियर का। अब यहाँ पे देखिए सनमाइका प्लाई से लेके सारा चीज़ें कंप्लीट, इसमें पर्दे के पास का काम किया हुआ है। और वेंटिलेशन जो है पूरी बिल्डिंग में बेहतरीन है, हर फ्लैट में वेंटिलेशन, हर रूम में वेंटिलेशन बहुत ही प्यारा है। आप देख रहे हैं यहाँ से जो है बाहर का नज़ारा, आप देखिए यहाँ से आपको माउंटेन व्यू आता है। देख रहे हैं ये फ्लैट में जितने भी फर्नीचर लगे हुए, जो इंटीरियर्स का जितना काम किया हुआ है, सारा कंप्लीट एज इट इज़ फ्लैट में ऐसा ही रहेगा। इसमें से कुछ भी जो है ऑनर लेके जाने वाले नहीं है। ये सारा जो है फर्नीचर इंटीरियर काम एज इट इज़ इसी तरह से आपको मिलने वाला है इस 3 BHK फ्लैट के अंदर में। देखिए अब हम जब आगे चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हमें मिलता है अटैच टॉयलेट बाथरूम विथ ड्राई बालकनी। काफ़ी बड़े साइज़ के ड्राई बालकनी दी हुई है, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए उन्होंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। इसके बाद ये बाथरूम है, अटैच टॉयलेट बाथरूम। अब यहाँ से जब हम राइट साइड में आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा इसका फर्स्ट बेडरूम। देखिए ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। इसमें बेड देख रहे हैं, फर्नीचर देख रहे हैं, एज इट इज़ सब कुछ आपको ऐसा ही मिलने वाला है। आप देख रहे हैं जिस तरह से ये फ्लैट में है, इंटीरियर का काम देखिए बहुत ही खूबसूरती से किया हुआ है। इसमें 5/6 का जो है, आप देख रहे हैं इसका बेड लगा हुआ है। इसके बाद वार्डरोब देखिए बनी हुई है, इसमें फिक्स है वार्डरोब। ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। इसका प्राइस हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, हम अभी भी बता देंगे आपको। अब वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा। यहाँ से देखिए ये इसकी बालकनी है, बालकनी काफ़ी बड़े साइज़ की, और हर बेडरूम में जो है, सारे बेडरूम में जो है बालकनी दी हुई है। अब देख रहे हैं बालकनी के अंदर में खड़े हुए हैं, और ये साइज़ जो है बालकनी का है। यहाँ से देखिए आपको माउंटेन फेसिंग, पूरा माउंटेन व्यू आ रहा है। ये लोकेशन देखिए, यहाँ से सिलफाटा का लोकेशन है। अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं आगे का लोकेशन, आगे का फ्लैट। इसमें एक चीज़, एक यूनिक चीज़ और बना के दी हुई है इन्होंने, वो ये है कि इसमें अलग से डाइनिंग एरिया बना के दिया हुआ है। 6 से 7 लोग आराम से एक सीट पर बैठ सकते हैं। अभी हम आपको सबसे पहले वो दिखाएंगे, इसके बाद आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं आगे का पूरा कंप्लीट फ्लैट। देखिए यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है
ये डाइनिंग एरिया जहाँ पे 8 लोग आराम से बैठ के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। आप देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरती से डिज़ाइन करके काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पे भी देख रहे हैं इंटीरियर का कंप्लीट वर्क किया हुआ है, फॉल सीलिंग से लेके वॉल पे जो है प्लास्टिक पेंट किया हुआ है आप देख रहे हैं। और यहाँ पे चेयर आप काउंटिंग करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पे वन साइड में 4 लोग या दूसरे साइड में आपको 4 लोग, यानी 8 लोग आराम से इस पर बैठ सकते हैं। इतना बड़े साइज़ का डाइनिंग एरिया है और सर्व करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जगह होने वाली है इसके अंदर में। आप देख रहे हैं कि जगह काफ़ी ज़्यादा बची हुई। फिर जैसे ही हम आगे इस साइड में बढ़ते हैं तो यहाँ से ही लगा हुआ है किचन। अब देखिए इसमें भी किचन में भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन मॉड्यूलर किचन सा कम्प्लीट काम कराया हुआ है। देख रहे हैं इसकी फॉल सीलिंग से लेके मॉड्यूलर किचन का कम्प्लीटली वर्क किया हुआ है। ओवन देखिए इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से ही पूरा कंप्लीट आपको ये जो रैक देख रहे हैं ये एल शेप में कम्प्लीटली रैक बनी हुई है। फ्रिज के लिए यहाँ पे जगह है, वेंटिलेशन के लिए देखिए विंडो है यहाँ पे दी हुई है, वेंटिलेशन में किसी तरह का कोई इशू नहीं आने वाला है आपको। और आप देख रहे हैं यहाँ पे शेल्फ सारी चीज़ें कम्प्लीटली बना के दी हुई है उन्होंने इस तरह से, ये सब रेडी है। सिर्फ आपको अपना सामान लेना है और यहाँ पे आ जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ आपको फर्नीचर से रिलेटेड किसी तरह कुछ काम नहीं करवाना है क्योंकि सारा काम किया हुआ है। अब आप चलते हैं आगे की तरफ, आपको दिखाते हैं इसका सेकंड बेडरूम, जिसमें सेकंड बेडरूम में भी बालकनी दी हुई है। देखिए अब यहाँ से सामने आपको दिखाई देगा ये जो है ये टॉयलेट का एरिया है, ये दूसरा टॉयलेट इसके अंदर में दिया हुआ है। अब देखिए ये दूसरा, ये इंडियन टॉयलेट है, इससे पहले जो आपने देखा था वो वेस्टर्न टॉयलेट था। अब यहाँ से जो है सामने देखिए ये इसका सेकेंड बेडरूम है, इसको भी उसी खूबसूरती के साथ बनाया गया था और ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा जो है तो बेडरूम है। अब देख रहे हैं इसमें फॉल सीलिंग का काम देखिए आप, इसमें काफ़ी खूबसूरत काम किया हुआ फॉल सीलिंग का, इसमें बालकनी भी बहुत अच्छी बेहतरीन बालकनी दी हुई है। और इसका जो एरिया है वो है 1080 स्क्वायर फीट का एरिया। अगर आप प्रेजेंट टाइम में काउंटिंग करेंगे इसका अगर कारपेट एरिया की, तो कारपेट एरिया कम से कम 750 का है क्योंकि इस बिल्डिंग में लोडिंग बहुत कम दी हुई है। और यहाँ से अगर आप देखिएगा तो आपको बाहर का नज़ारा देख रहे हैं आप, हर तरफ से वेंटिलेशन बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ, बहुत ही बेहतरीन वेंटिलेशन सिस्टम दिया हुआ है। आप देख रहे हैं इसमें भी वार्डरोब जो बना हुआ है इस तरह से एज इट इज़ बेड वार्डरोब, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलने वाली है। इसका प्राइस हम आपको बता देते हैं फ्रेंड, प्राइस जो है इसका है 65 लाख रुपीज़, नेगोशिएबल प्राइस है, जो कि आप इतने प्राइस में आप मुमरा में इतना बड़ा फ्लैट कहीं नहीं पाएंगे, वो भी TMC रेरा अप्रूव फ्लैट, और भी इस तरह से इतना खूबसूरत काम किया हुआ विथ फर्नीचर। 3 BHK फ्लैट आप कहीं नहीं मिलने वाला आपको। ये देख रहे हैं ये सोफा सेट यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, सारी चीज़ें हैं एज इट इज़ इसी तरह से रहने वाली हैं, यहाँ से कुछ भी ऑनर लेके जाने वाले नहीं है, ये सब कुछ आपको इसी तरह से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये हुआ इसका सेकंड बेडरूम, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम। और उससे पहले हम आपको इसको दिखा देते हैं, एक और बाथरूम है इसमें जो है विद ड्राई बालकनी, और इसमें टाकी लगी हुई है, टाकी 400 लीटर की टाकी लगी हुई है, एक में 400 की दूसरे में 800 लीटर की टाकी है, क्योंकि TMC बिल्डिंग इसलिए पानी की इसमें कोई कमी नहीं है। ये देखिए ये जो हिस्सा बाथरूम है प्लस ड्राई एरिया, आगे देख रहे हैं वो है ड्राई एरिया। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते हैं इसका थर्ड एंड लास्ट बेडरूम, जो कि ये भी विद बालकनी है। देखिए ये जो है ये इसका थर्ड बेडरूम है, बालकनी का एरिया देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से उसको सजाया हुआ है प्लांट के साथ में, हम आपको वो भी दिखा देंगे। देखिए पहले आपको ये कंप्लीट जो है फ्लैट दिखा देते हैं, ये सारे जो बेड हैं इसमें अटैच किए हुए हैं, इसके वार्डरोब्स देख रहे हैं सारे अटैच किए हुए हैं इसके अंदर में, इसमें से ऑनर फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी सामान आपको लेके जाने वाले नहीं आपके साथ में, आपको सब कुछ देके जाने वाले हैं यहाँ पे। आपको हम हर साइड से इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि हर लोकेशन से आपको नज़र आएगा किस तरह का एग्जैक्टली बेडरूम है, कितने साइज़ का बेडरूम है, काफ़ी बड़े साइज़ का बेडरूम है, इतना सारा सामान होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें। अब देखिए यहाँ से जो है ये इसकी बालकनी है, थर्ड बेडरूम की थर्ड बालकनी आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़े साइज़ की एल शेप में बालकनी दी हुई है, प्लांट से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से इसको सजाया हुआ है बालकनी को। वेंटिलेशन पूरे फ्लैट में हर जगह से है, आप देख रहे हैं ये एल शेप में काफ़ी बड़ी साइज़ की बालकनी है। तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ से आप देखिएगा तो माउंटेन व्यू आपको आएगा इस बेडरूम से, दूसरे वाले बेडरूम से, तीसरे बेडरूम से, हॉल से आपको माउंटेन फेसिंग है, ओपन एकदम स्पेस है। और ये सिंगल बिल्डिंग खड़ी हुई है, 7 माले का ये जो है बिल्डिंग है, और इसमें लिफ्ट 24/7 इसमें लिफ्ट दी हुई है विद बैकअप। TMC की बिल्डिंग होने की वजह से सारा पेपर टोटल क्लियर है इसके अंदर में, आपको पानी की फैसिलिटी अच्छी है, इसके बाद में लिफ्ट की फैसिलिटी सारी बेहतरीन चीज़ दी हुई है और सारे पेपर टोटल क्लियर है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये फ्लैट पसंद आ रहा है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आपके आके कॉल कीजिए, यहाँ पे आके विजिट कीजिए, फ्लैट पसंद आता है हम ऑनर से आपकी डील करवाएंगे, आपको डिटेल अगर फ्लैट पसंद आएगा तो आसानी के साथ इस पर डील कर सकते हैं, और आप इस पर किसी भी बैंक से लोन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए,
आने वाले नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और देखते रहिए विद प्लेटफॉर्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।